हाँ, मुझे तुम्हारी ना बहुत याद आ रही है यार। कितने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आते। हाँ वो ठीक है, तुम्हें पता है 4 दिन भी लिए मेरे लिए 10 दिन हो गए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मिलना है बाबू, बस तुमसे मिलना है। अब ये बता दो मुझे कब आ रहे हो तुम मुझसे मिलने। यार मैं नहीं रह सकती, 1 महीने, 1 महीने बाद आओगे। मुझे नहीं पता, जल्दी आना होगा बस, कैसे भी आओ। बाबू यार इतनी याद आ रही है, नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बगैर। लेकिन वहां क्यों रुकना पड़ रहा है ये तो बताओ ना। अरे यार तुम्हारा तो हर वक्त बस काम ही रहता है, तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता कभी, चाहे तुम्हारे बगैर कोई मर जाए, है ना, यही है ना, और कैसी बात है। बाबू मुझे नहीं पता, बस आना है तो आना है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती हूँ। अरे पति पति को भाड़ में जाने दो, मुझसे बात नहीं होती उससे, ना मेरा मन करता है उससे बात करने का, उसका तो तुम नाम ही मत लिया करो, ठीक है। हाँ तुम्हें पता है ना मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती यार। बस बस अपनी बातें मत बनाओ, चुप हो जाओ तुम, ठीक है। बस ये बता दो कि कब आ रहे हो, पक्का परसों आ जाओगे ना, मेरी कसम। अच्छा ठीक है। हाँ वो यार इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बस पूछो मत। हो गई बात, हो गई हो तो जरा हमारी भी सुन लो। क्यों इस घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है तू, क्या कमी है मेरे देवर में ऐसी, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू शादीशुदा होके तू एक दूसरे आदमी से बात कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर तुझे मेरा देवर पसंद ही नहीं था तो तूने क्यों की शादी, मना कर देती तुझसे कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर रहा था, उसी के साथ शादी कर दी जिससे तू बात कर रही है, लेकिन मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है, है? शादी शादी मैंने नहीं की थी, मेरी मम्मी डैडी ने की थी, उनकी पसंद थी, मेरी पसंद नहीं थी। अच्छा पसंद तेरे मम्मी डैडी की थी तो तू उस टाइम पर मना नहीं कर सकती थी कि मैं तो किसी और से ही मेरे दीदा लगे हुए है, मैं नहीं करना चाहती शादी, कोई जबरदस्ती कर रहा था तुझसे, ये तुझे जबरदस्ती ब्याह के लाए थे हम। अरे मेरे देवर के लिए कोई कमी नहीं थी लड़कियों के लिए, इतनी प्रॉपर्टी इतनी जायदाद उसी की इकलौती की है, इकलौता वारिस है इसका। हाँ तो और उसके भाई का भी जो भी है कुछ उसका ही है, कम से कम तुझे शर्म तो आनी चाहिए जो तू ऐसा कर रही है। इसमें शर्म वाली बात क्या है, क्यों क्या गलत कर रही हूँ मैं, क्या गलत, गलत के लिए अच्छा कौन सा कर रही है तू, नहीं क्या अच्छा कर रही है तू ये बता पहले मुझे, शादीशुदा होके एक दूसरे आदमी से बात कर रही है। अरे हमारे घर की इज्जत है या नहीं है, इस घर की मान मर्यादा तूने बेच खाई। अगर मुझे ऐसा पता होता ना हेमा कि तू ऐसे निकलेगी तो सच में मैं इस घर में कभी ब्याह के नहीं लाती तुझे। अरे मुझे देख 10 साल हो गई मेरी शादी को, लेकिन कोई बता दे मोहल्ले वाला कभी भी मैं बाहर में निकली हूँ घर से। क्यों मेरे का ढिंडोरा पिट रहा है वहां पे जाके, ढिंडोरे नहीं पिट रहे लेकिन घर में तो पिट रहा है, आज घर में पिट रहे कल को बाहर पिटेंगे, क्योंकि तू अगर तेरे ऐसे ढंग रहे ना तो तू उसके साथ भंग भी जाएगी, हमारी हमारे खानदान की नाक कटा देगी। मुझे उसके साथ खुशी मिलती है। अच्छा हाँ उसके साथ खुशी मिलती है तो तू एक काम कर, तलाक ले ले जा, और जितना हमारा लगा है हमें दे दे, बस मैं ये चाहती हूँ। क्या बेहुदे बातें कर रही है, बेहुदा बेहुदा पंत तू दिखा रही है, कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ है शादीशुदा औरत एक दूसरे मर्द से बात करे, बता। अच्छा हाँ क्यों, बात करने में क्या जाता है, बात करने में चल कुछ नहीं जाता, बाबू सोना ये सब क्या है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं। वाह दोस्त है या कुछ और भी है तेरा, बता दे मुझे, दोस्त के अलावा कुछ और भी है। दी हर रिश्ते गलत नहीं होते। अच्छा तो ये रिश्ता अच्छा भी नहीं है, इतना मैं भी बता रही हूँ, मानती हूँ हर रिश्ते गलत नहीं होते, लेकिन ये कौन सा रिश्ता है तेरा, बाबू सोना ये सब करना, देवर जी से तू ऐसे बात कभी नहीं करती है, उनमें तो कांटे लगे हुए, तो तू अपने रूम में भी नहीं आने देती। तो वो तो मेरे पति हैं। अच्छा कभी भी बात कर सकती हूँ। अच्छा लेकिन उससे में क्या मैं रोज रोज मिलती हूँ क्या। अच्छा अरे वो ड्यूटी से कभी कभी आता है अलीगढ़, वो तो रोज रोज नहीं मिलती है तो तू उसी के साथ रहने जाके, यहाँ रही क्यों रही है, अपना सामान पैक कर जा उसी के पास, तुझे रोक कौन रहा है, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू जाना चाहती है तो जा सकती है उसके पास। मुझे तो लगता है तुम इस घर की मालकिन बनी बैठी। मालकिन हूँ
मालकिन बनी बैठी नहीं हूँ, मालकिन मैं हूँ इस घर की। तो तुम मालकिन हो, उतना अधिकार तुम्हारा है, उतना ही अधिकार मेरा भी है। नहीं है, अधिकार है कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन देवर जी भी पे तो तेरा अधिकार है। तू इस तरीके से बात करेगी उनसे है? मैं उनसे किस तरीके से बात करती हूँ, किस तरीके से नहीं करती, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेक्चर मैं नहीं, तू फालतू बकवास कर रही है। घर का कोई काम नहीं हुआ, सुबह सुबह उठी नहीं कि अपने यार दोस्तों से बात करने लग गई तू। हाँ तो क्या है, क्या है? हाँ, मेरा हो चुका है मन। क्या हो चुका है मेरा, क्या हो चुका है? दो पति रखेगी तू? देखो दीदी, अब मेरा दिमाग खराब मत करिए, ठीक है? सुबह सुबह का टाइम है, शाम तक खराब होगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। ये लड़की तो ऐसे मानने वाली नहीं है, मुझे देवर जी से ही बात करनी होगी। अरे बहू। अरे पिताजी। क्या बात है? कुछ नहीं, आप आ गए? हाँ आ गए। कैसे, क्या सोच रही है, क्या बात है, मुझे बता कोई बात हो तो। पिताजी एक मिनट रुकिए, मैं गेट लगा देती जरा। अब कुछ नहीं पिताजी, बस। ना मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कोई तो बात है तेरे। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। आप एक काम करिए, अपने कमरे में चलिए। ना वो तो मैं चला जाऊंगा, मुझे ऐसा थोड़ी, मैं आज कुछ अलग देख रहा हूँ अपनी बहू का, मूड सही ना लग रहा है। सही? अब नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बात ऐसी कुछ नहीं है कि हाँ। मेरे थोड़े सर में दर्द था तो बस ऐसे ही घूम रही थी। आप कहाँ इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ गए थे? अरे मैं जरा काम से गया था बाजार। अच्छा। मुझे बाजार काम था जी। और मेरे दोस्त ने मुझे याद करा था, उसकी दुकान है बाजार में। अच्छा अच्छा। उसके पास बैठा हुआ था, फिर देर हो गई, मैंने कहा कुछ मुझे भूख सी लगी, मैंने चलूं घर खाना वाना खा लूंगा। बिल्कुल पिताजी, आइए मैं आपको खाना देती हूँ, आइए। पिताजी, हाँ आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बता, मैं तो उससे पहले ही कह रहा कि हमारी बहू की कुछ ना कुछ बात है। हाँ बता बोल। मुझे लग रहा है कि हेमा की तबीयत सही नहीं है, तो उसके पापा को बुला दो। हेमा के पापा को बुला दो? हाँ, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। क्या बात है, मुझे बताने लायक हो तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं फिर उसके बाप को बुला लूंगा, उससे बात कर लूंगा। हाँ तुम उन्हें बुला दीजिए, मैं उन्हीं के सामने बात करूंगी। ठीक है, मैं हेमा के बाप को बुला लूंगा। ठीक है जी, जी ठीक है, ठीक है ना, आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं कर दूंगा, तू फिक्र मत करे। और कोई बात होती वैसी कोई तो मुझे बता दें। चल ठीक है, मैं बुला दूँ। ठीक है। कहीं जाऊं, आपको क्या? अच्छा हमको क्या, हम इस घर में रह रहे हैं और हमें नहीं होगा? ओ दी, हर वक्त जी रोक टोक मुझ पे मत लगाया करिए, ठीक है? तो अगर ऐसी बात है, इसीलिए मैंने तेरे आज पिताजी को फोन करवा दिया, आ तेरे बाप को बुलाया मैंने यहाँ पे। हाँ तो? हाँ तो नहीं, पिताजी क्या करेंगे? क्या करेंगे, पिताजी ने शादी कर दी, बात खत्म। अच्छा, बात शादी करके बात खत्म नहीं होती है, बात तो तब शुरू होती है जब शादी होती है। देखिए दीदी, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी वो मुझे पता है। अच्छा, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। करिए लाइफ में करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में रह रही है, इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है तू हमारी, ठीक है? और तो मुझे घर की इज्जत को ऐसे नीलाम ना करने दूंगी मैं। क्या मुझे नहीं पता मेरी इज्जत है या नहीं है? अरे तुझे कैसे जीना है कैसे नहीं जीना, क्या मैं जानती नहीं हूँ? मैं बच्ची हूँ क्या? तुझे पता नहीं है तभी तो बता रही हूँ, और बच्ची है तू अभी, तुझमें अकल ही नहीं है अभी। अच्छा, मुझ में अकल नहीं है? हाँ, आप मुझे अकल सिखाएंगे? अरे सिखानी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो, क्योंकि वैसे भी तेरे अंदर मंद बुद्धि है, तू मोटी बुद्धि है। हाँ अरे बात तो सुन, जाकर तू जाकर रही है, बात तो सुन। हर वक्त मेरे पास आगे पीछे क्यों लगी रहती हो? तेरे आगे पीछे ना लगूं तो क्या करूं, तू जाकर रही है, पहले तो ये बता। मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या मतलब? मतलब है जबी तो, मतलब नहीं है, इस घर में रह रही है, इस घर की बहू है तू, हमारे घर की इज्जत है, और तुझे अपने घर की इज्जत नीलाम ऐसा करने नहीं दूंगी मैं, बस। क्या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती रहोगी? तेरी लाइफ में इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तू इस घर में रह रही है। तो इस घर में रह रही हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे लगी रहोगे, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्या खा रही है क्या पी रही है। आगे पीछे लगने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तू जा कर रही है, अपने यार दोस्तों से मिलने जा रही है। हाँ, मैं घूमने जा रही हूँ। क्यों जा रही है घूमने? अगर घूमने ही जा रहा है तो अपने पति के पास जा, वहाँ घूमियो, यहाँ मैं तुझे ऐसे बरबंड नहीं होने दूंगी।
इसका मतलब तुम्हारी इजाजत लेके मुझे यहाँ घूमने जाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल, मेरी बगैर इजाजत के घर से तो कदम भी नहीं रखेगी तू, समझे? तू जाके भी दिखा इस घर से बाहर। मैं अपनी इजाजत से ही जाऊंगी और अपनी मर्जी से जाऊंगी। तो जाके दिखा तू मुझे, तू जाके दिखा। हाँ, मुझसे इतनी बहसबाजी कैसे कर सकती है तू? मुझसे ऐसी बहसबाजी कैसे कर सकती है? मैं भी तो देखूं तू कैसे जाएगी इस घर से। तू जाके दिखा, मैं भी तो देखूं तू कैसे जाएगी। मेरी बगैर इजाजत के इस घर का पत्ता भी नहीं हालता। दीदी, तो एक मामूली सी औरत है। दीदी, आप बड़ी हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। अच्छा, वरना तू मुझे मारेगी? तुम मुझे जाने से नहीं रोक सकती। तू जाके देखा कैसे जाएगी, तू कैसे जाएगी? देख हेमा, मैं तुझसे फिर भी कह रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है? वरना तू जानती नहीं मुझे, जितना प्यार मैं कर सकती हूँ उतनी नफरत भी कर सकती हूँ। और चुपचाप अपने कमरे में जा, समझ में आ गई ना? इस घर की इज्जत को तुझे ऐसे पैरों तले रौंद के नहीं जाने दूंगी मैं। अगर तुझे घूमना है फिरना है तो अपने आदमी के साथ जा या फिर अपने बाप के साथ जा। ठीक है, आज तो तुमने मुझे रोक लिया, देखती हूँ कब तक रोकती हो। हमेशा रोकूंगी और ऐसे ही रोकूंगी। बेवकूफ कहीं की, मूड खराब करके रख दिया इडियट ने। तंग आ चुकी हूँ मैं, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है, ना कहीं आने देती है ना जाने देती है। मुझे लगता है मुझे अपने पिताजी से शिकायत करनी ही पड़ेगी। फोन मिलाती हूँ। बेटी का फोन? हेलो पिताजी। हेलो हेलो पिताजी, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो बेटी। पिताजी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटा? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ पिताजी। क्या क्या मतलब बिल्कुल ठीक नहीं? मतलब पिताजी, आपने मेरी ऐसे घर में शादी कर दी है कि मैं बंद कमरे में बंद रखी जाती हूँ। कोई ना कहीं जाने देता है ना आने देता है, घुट घुट के जीना पड़ता है इस घर में मुझे। इसका मतलब मेरी बेटी दुख में जी रही है वहाँ? दुख में क्या पिताजी, बस पूछो मत। इतने दुख में हूँ कि बस मेरा जीना हराम हो गया है यहाँ पर। देख बेटी, तो चिंता ना कर, अगर ऐसी बात है तो आज ही आता हूँ डंडे की चोट पे। एक एक पल रो रो के काटना पड़ता है। तो मेरी बेटी चिंता मत करे, अभी आ रहा हूँ। दुनाली साफ कर रहा था मैं अपनी, वो तो तेरा फोन आ गया। अब इस दुनाली के साथ और तेरा बाप चला आ रहा है, चिंता मत कर। ठीक है पिताजी, आप आ जाइए। इनकी तो खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करूंगा सालों की, चिंता मत कर। वो सबसे ज्यादा वो मेरी जेठानी है ना, उसने इतना तंग कर रखा है मुझे बहुत ज्यादा। बरेली के हप्पा और उससे कबांगा, मुझे चिंता मत करे, मैं आ रहा हूँ। पिताजी हर वक्त आगे पीछे लगी रहती है मेरे। ठीक है, आ रहा हूँ बेटा। आराम से, रोई हो नहीं, आराम से, बाप आ रहा है। ठीक है, हाँ पिताजी आ जाइए आप। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है बेटी। अरे लगता है पिताजी आ गए। बेटी, पिताजी आती हूँ। बेटी आए पिताजी। बेटी, बेटी, पिताजी। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। किसने तुझे, किसने तुझे डांटा? है ना मेरी जेठानी, वो मुझे चलने लगने देती है। जेठानी? हाँ। उसकी तो खटिया खड़ी कहाँ है ना, निकला बाहर। कौन है भाई घर में? अभी बुला लीजिए। घर के और घर को छोड़ के कहाँ गए? कोई सुनता नहीं रहा है, रहा होगा यहाँ पे। मेरे आगे नहीं बोलेगा कोई, कहाँ बोला अपनी जेठानी को? अब नहीं आएगी कल के। वैसे तो मेरे आगे पीछे लगी रहती है। कॉल करूंगा बेटी, चिंता मत कर। तू तुझसे हाथ लगाई मेरी बेटी फूल जाएगी। बेटी मैंने आज तक अपनी बेटी में कोई काम नहीं कराया, निकल बा, बुलाया कहाँ है? किसी भी हालातों में पाली सही, लेकिन ठीक है ना? संस्कार तो अच्छे रहेगी।
रखना चाहते हैं। हम तो नंगपना करेंगे साहब, अगर हमारी बेटी का छेड़छाड़ होगी तो हम नंगपना नहीं पूरी घर को भून देंगे, शमशान करा देंगे। छेड़ के तुम्हारी गुड़िया तोड़ दी, जरा देखो तो सही। बता बेटी, फूटी तो है नहीं अभी तक। दीदी मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें लगता जैसे कुछ भी कहती रहोगी। अच्छा तू तो घर चुप ही रहे, तुम तो मुझसे फालतू बात करो। मुझसे बात करो, मुझसे तुम ही से बात कर रही हो। मुझसे बात कर, जब किसी के घर पे आते हैं ना बड़े शांति रुकते हो, वैसे भी तुम तो बेटी वाले हो, शर्म होनी चाहिए। सुनो जगे पे हम जब तक की तुम्हारी शादी हमारे तुम्हारा जो कौन है वो तुम्हारा देवर, वो तो तुम्हारा देवर जो है वो हमारे घर तक बारात लेकर गया था। जगे हम जब तक थे अब नहीं बैठे किसी की मन पे। अच्छा हाँ, अब क्या तुम हमें गोलियां मार दोगे? सुनो पैर पूजे गर्दन नहीं पूजी, हाँ पैया पूजे कि मुंडी नहीं पूजी हमने। सुनो पिताजी, हाँ ये जितनी भी ओवर एक्टिंग सिखा रहे हो ना, अगर थोड़ी सी एक्टिंग अगर अपनी बेटी को सिखाई होती ना तो आज इस घर में बड़ी अच्छी बहू बनके रह रही होती। ऐसा है कि एक्टिंग वैक्टिंग रखो अपने पास और सुनो निकल शांत हो गए, ज्यादा छोड़ छोड़ जवान मत चलाओ। अच्छा मेरे आगे गांव में कोई भैया वाली बोल नहीं सकती, तुम तो इतना चमक चमक बोल रही हो, मतलब तेरे बाप ने संस्कार दिए हैं बता। मेरे बाप ने संस्कार चाहे जैसे भी दिए हो अच्छे दिए, लेकिन तुमने अपनी बेटी को संस्कार जरा भी अच्छे नहीं दिए। ओ बुड्ढा मैं बुलाओ से जरा तभी से बात करो, वो बुड्ढे बुड्ढे थे तुम भी, बुड्ढे तुम भी है, जवान है, मैं जवान हूं अभी। बेटी बाप ने ऐसी बात कर दी, ऐसा इन नंगों में आई रहूंगा मैं और ना तुझे रखूंगा, तेरी बढ़िया शादी का मन कि इसको मुझे लगा बच्चे वाले दिमाग है अभी।
इसके अंदर अभी अकल नहीं है, इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है अभी। पर बेटा हमें बड़ा दुख हो रहा है, चल बेटा हम चलते हैं। ठीक पिताजी। मुझे अब अपनी बेटी के घर रुकना एक पल भी बड़ा गवार। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। मैं चलता हूँ बेटा, मुझे माफ करना बेटा। ठीक। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती है। और यही बात, अपना पति अपना ही होता है, अपना ससुराल भी अपना ही होता है। जितना तेरे लिए हम लोग बुझेंगे उतना कोई बाहर का नहीं हो जाएगा। चला एक अच्छा सा ये फोन अपने पास रखो, मुझे ये नहीं चला।